सोलन के जंगलों में लगातार आग लग रही है। ये आग जब कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन के पास पहुंची तो रेलवे अधिकारियों ने रेल को करीबन 3 घंटे तक रोक रखा। तपती गर्मी के कारण यात्रियों को बेचैनी भी हुई। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों के लिए पानी तक का प्रबंध नहीं किया था, जिस कारण यात्रियों में रोष देखने को मिला और ये रोष जल्द ही हंगामे में बदल गया। यात्रियों ने रेलवे इंचार्ज के ऑफिस को घेर लिया और लगातार पानी की मांग करने लगे और पानी ना देने की सूरत में वे ऑफिस के सामने इधर उधर भटकते रहे। ये हंगामा करीब आधा घंटे चला। रेलवे अधिकारी पानी देने का आश्वासन करते रहे, लेकिन वे यात्रियों को पानी मुहैया करवाने में असफल साबित हुए।